सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार ने संतुलित बजट किया पेश। हर चीज के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वो भी बढ़ा है, अब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है। बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, बिहार के साथ किया गया सौतेला व्यवहार। देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए आम बजट पर हेमंत सोरेन ने की कड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि इस बजट को देखने से साफ लगता है कि आत्मनिर्भर भारत अब आत्म बेचो भारत सा हो गया है। बजट में जो मुझे पता चला है कि अब नौकरी पेशा वालों की भी खैर नहीं, पेट्रोल डीजल में तो शेष बढ़ ही गया। पटना समेत बिहार के सभी जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए परीक्षार्थियों ने दी इंटर की परीक्षा। इस दौरान सेंटरों पर प्रशासन की विशेष नजर। संसद में पेश हुए देश के आम बजट पर रांची में झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट बताया। तो अगर वो तटीय क्षेत्र में बंदरगाह बनेगा बढ़िया से एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका लाभ तो झारखंड भी ले सकता है और वहाँ जो इतनी तैयारी हो रही है तो पूरा देश के लिए ये तैयारी हो रही है। संसद में पेश हुए देश के आम बजट पर पटना में कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने की कड़ी निंदा। कहा, देश को किया जा रहा है बर्बाद। और लोकसभा में सेल पर लगाया गया, गेल ले लो, भेल ले लो, रेलवे ले लो, सब ले लो, इंडियन ऑयल ले लो, एयरपोर्ट ले लो। हद तो ये है कि सड़कें बेची जाएंगी, बिजली ट्रांसमिशन लाइन को बेचा जाएगा, रेलवे का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है वो भी बेच दिया जाएगा। पटना में निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। इस दौरान ई एपिक की सुविधा के बारे में हुई चर्चा। पटना में बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बजट को लेकर जताया संतोष। कहा, ऐसे बजट से आरक्षित वर्ग के लोगों में सरकार के लिए बढ़ेगा संतोष। देखिए, बजट एज ए स्वागत योग है, स्वागत योग प्रगतिशील बजट है और हम समझते हैं कि जो किसानों के संदर्भ में बात कही गई है उनकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट। वहीं रांची में बजट को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण छबड़िया ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बंगाल में इलेक्शन है, ऑब्वियसली बंगाल में कुछ जाने की बात थी और होनी ही थी वो चीज़ के अंदर, और उड़ीसा के अंदर में पारादीप हो गया है कुछ फिशिंग के लिए कुछ काम करने को। झारखंड में पर्टिकुलरली नहीं है और हम लोग ये देखते हैं ईस्टर्न स्टेट यूजुअली फंड्स लेने में थोड़ी सी कमजोरी भी दिखा देते हैं। लातेहार में पहाड़ी पर्यटकीय विकास योजनाओं का स्थानीय विधायक ने किया शिलान्यास। इस दौरान कई लोग रहे मौजूद। लातेहार के बारवाड़ी प्रखंड मुख्यालय परिसर में किया गया जनता दरबार का आयोजन। इस दौरान वीडियो ने मौके पर सुनी फरियादियों की समस्या। चाईबासा में एसीसी सीमेंट के कर्मचारी कंपनी के प्रबंधन और तानाशाही रवैये के खिलाफ कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कंपनी के आसपास लगाया धारा 144। पटना के नौबतपुर में अपराधियों का तांडव जारी। दिन दहाड़े महिला समेत दो लोगों को मारी गोली, गोली लगने से गंभीर रूप से घायलों को भेजा गया अस्पताल। इलाके में दहशत का माहौल। वैशाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलवाने जा रहे बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने रौंदा। इस दौरान पिता पुत्र दोनों की मौके पर हुई मौत। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में देर रात असामाजिक तत्वों ने बसों में लगाई आग। इस दौरान 3 बस जलकर हुई राख। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर सूरत जयनगर ट्रेन से कटकर 41 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर जाने के क्रम में हुआ हादसा। राजधानी पटना से सटे गौरीचक थाना के पास पुलिस ने 4 अपराधियों को देसी पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई गिरफ्तारी। जमशेदपुर के पोटका विधायक संजीव सरदार ने पोटका प्रखंड मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अंचल अधिकारी सहित कई विभाग पदाधिकारी और कर्मचारी रहे गैर मौजूद। बाढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने रेल सब इंस्पेक्टर को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी को और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार।
सुपौल में बेखौफ अपराधी एटीएम वैन से 45 लाख रुपए लूटकर हुए फरार, वहीं गार्ड को मारी गोली। बोकारो में घरेलू विवाद के चलते पति ने कुदाल से मारकर की पत्नी की निर्मम हत्या, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एसआईटी टीम ने कई दिनों से फरार आरोपी तनवीर खां को किया गिरफ्तार, आरोपी पर महिला को बैला फुसलाकर भगाने का था आरोप।